लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहर का ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर होने के नाते उस रात के हालात संभालने के लिए मेरी की गई कार्रवाई के संबंधित मुझ पे लगे आरोपों के जवाब देने के लिए आज मैं यहां इस कमिटी के सामने हूं कि मैं जानता हूं। नियंत्रण से परे दिखने वाली 26/11 की शुरुआत और उससे पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर भारत गणराज्य का संविधान और उस संविधान का कानून, उसमें निहित महाराष्ट्र राज्य का कानून और मुंबई पुलिस का अधिकार पत्र और उसकी व्यवस्था जिसके दायरे में मैं आता हूं, उस अहदे से मैं ये कहता हूं कि मेरे बयान और उससे जुड़े हर स्पष्टीकरण, अर्थ, खुलासे, नजरिए और प्रमाण से जुड़े 26/11 की हर घटनाओं के बारे में केवल सच कहूंगा।
26 तारीख को सोलंकी नाम का एक मछुआरा अपने चार साथियों के साथ लाल परी नाम की नायाब मछली जो सिर्फ गहरे समुंदर में पाई जाती है उसकी तलाश में काफी दूर तक निकल गया था। बालू, अगले साल बेटों का शादी करवाने का सोच रहा हूँ, कोई अच्छा अगर नजर में है तो बताओ। जो काका, हितेश मेरी उम्र का होगा ना? अरे ना, तेरे से छोटे होंगे। अच्छा, दिलीप तो 20 साल का है, हितेश 1 साल नानू। मुझे लग रहा था तुमने दिलीप के लिए रिश्ता ढूंढ लिया था। अरे प्लान तो किया था, हुआ कुछ नहीं। उसकी माँ बोली पहला पढ़ाई करने दो, बाद में देखते हैं। सलमा और तो बोलती बंद हो गई। अमर, मुझे लगता है हम लोग कोरीबंदर पार कर चुके हैं, पाकिस्तानी पानी में भी हो सकते हैं। नहीं यार, मुझे नहीं लगता है। साला लाल परी का भी कोई ठिकाना नहीं। थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो फिर पलटते हैं। हैं? मैं तो बोलता हूँ पलट चलते हैं। मुझे पाकिस्तानी जेल में नहीं सड़ना भाई। हाँ। पेट्रोलिंग बोट तो नहीं? पेट्रोलिंग ट्रॉलर लगती है। रमेश, कोई प्रॉब्लम लगती है, बोट घुमा ले जल्दी। मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, उनको मेरे साथ ही रहने दो। जो कह रहा हूं
वो सुनो, इन्हें मुंबई तक पहुंचा दो, उसके बाद सबको छोड़ दो। मेरे लोगों को छोड़ दो साहब, सबको मेरे साथ रहने दो। हे रमेश बालू, पिघल रही है। इस्लाम का क्या किया? सेट कर लिया है कोर्स पे और अब अलॉटमेंट कर देता हूँ। कोर्स से 7-80 नॉटिकल माइल मेंटेन करना। हाँ जी। रास्ते में दोस्त लोग मिल सकते हैं, ध्यान से। हाँ जी। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। रबड़ नीचे
बर्फ पिघल गई है। इंशाल्लाह हमने अपने बकरे खा लिए, तुम भी खा लो। टंडेल को रिहा कर दो। नहीं नहीं बेटा, देखो हम मुंबई तक पहुंच गए। अब वक्त आ गया, सब ठीक हुआ तो इंशाल्लाह 9:30 तक हम अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। बताया गया था कि लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक मशहूर कैफे है, जहां देशी और विदेशी मिलकर रोजाना एक अच्छी शाम बिताते हैं। इसीलिए आतंकवादियों ने उसे अपना निशाना बनाया। उस वक्त रात के 9:30 थे। आ, 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 आ,
काम के कारण देर रात से पहले मैं घर नहीं जाता। लेकिन 26/11 की रात को कुछ काम नहीं था, मैं बोर हो रहा था, 9 बजे ही घर चला गया। तकरीबन 9:30 बजे मैं नहा रहा था, लिविंग रूम में फोन बजने लगा। कंट्रोल रूम से फोन था, जब मैंने बोला कि आप नहा रहे हैं, वो फोन फटाक से कट कर दिया। मेरे जॉइंट कमिश्नर होने के नाते कंट्रोल रूम ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी है कि शहर में होने वाले हर हादसे के बारे में मुझे जानकारी दे। लियोपोल्ड कैफे में हुई फायरिंग की सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पे वो मुझे बाथरूम से बाहर निकलने को बोलना नहीं चाहता था। हुई घटना को दोबारा निश्चित करना चाहता था और उसी जल्दबाजी में उसने फोन पटक दिया, जो मेरे बीवी को अजीब सा लगा और उसने आके मेरे बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही मैं लिविंग रूम में आया, मेरे तीनों फोन, मेरा मोबाइल, मेरी लैंडलाइन और कंट्रोल रूम की हॉटलाइन एक ही साथ बज गए। अब मुझे लगा कुछ हो रहा है। उनकी जुर्रत इतनी थी कि लियोपोल पर हमला करने वाले वो दो आतंकवादी गली से होते हुए ताज में अपने दूसरे साथियों से मिले, ताकि वो ताज होटल को भी अपना निशाना बना सके। सब लोग जानते हैं मुंबई का ताज होटल मुंबई ही नहीं सारे हिंदुस्तान के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। मुंबई आने वाला हर यात्री ताज होटल और गेटवे जरूर देखता है। आतंकवादी उस होटल को अपना निशाना बनाकर यह साबित करना चाहते थे कि उनसे कोई भी कहीं भी बच नहीं सकता, चाहे वो लियोपोल्ड हो या ताज। Oh,
उस बच्चे के सर में गोली मारी। आज की दुनिया में 5-स्टार होटल इंसानी तरक्की और शानो शौकत वैभव का एक नमूना होता है और उसी 5-स्टार होटल के जगमगाते फर्श पर बेशुमार खून और मुर्दा जिस्मों का ढेर देखकर ऐसा लगता है कि इंसान आज भी दरिंदगी की हद को पार कर सकता है। तकरीबन 9:30 बजे जब ताश पर हमला हो रहा था, उसी वक्त मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई रेलवे के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, जहां पूरे देश के तमाम शहरों से लोगों का रोजाना आना जाना लगा रहता है, ऐसी जगह पर हमला करके मुंबई ही नहीं वो देश के कोने कोने में अपने आतंक का डर फैलाना चाहते थे। और सोए हुए लोग हैं सब खड़े हैं, तब हमारी गोली ज्यादा लोगों को लगेगी। और याद रख, और बच्चों, किसी पे भी रहम करने की जरूरत नहीं है, समझा?
फायरिंग कर रहा है। अपने सोने पे यकीन नहीं हो रहा था। सीएसटी पे जो हुआ, क्या है लोग हा? किस तरह की नफरत है? कैन यू अंडरस्टैंड? है कहा किस नशे में है या कोई पागल है जिसके हाथ में बंदूक थमा दी गई है? कौन सा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि बेकसूर मासूम बच्चों को इतनी बेदर्दी से और हैवानियत से छलनी कर दिया जाए? मुझे उसी दौरान ओबेराय और नरीमन हाउस पे हो रहे हमलों के साथ साथ मिले पार्ले के टैक्सी के ब्लास्ट की खबर मिली। प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां दमट्ट मट्ट 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 निनाद वट्ट मर्वयं चकार चंड तांडव अनंतु न शिव शिवम चकाट विकल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां दमट्ट मट्ट 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 निनाद वट्ट मर्वयं चकार चंड तांडव अनंतु न शिव शिवम No!
हादसों के बयान ही नहीं, हर एक हादसे के अलग अलग बयान सुन रहा था। उसके ऊपर कई और जगह हो रहे हमलों की अफवाहें भी। कंट्रोल रूम में हर मिनट में हजारों कॉल आ रहे थे। मिली हुई जानकारी को परखने का, जांचने का, निश्चित करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। दिमाग सुन पड़ने लगा। मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनसे क्या कहूं। तब जाके मैंने होम सेक्रेटरी को फोन किया। सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू, वी नीड आउटसाइड हेल्प। आर यू श्योर इट्स द प्रेस्टीज ऑफ मुंबई पुलिस? सर, फक द प्रेस्टीज, आई एम नॉट सेइंग वेदर वी कैन डू और वी कैन नॉट डू, आई एम सेइंग आई डोंट नो व्हाट टू डू। 27 साल की ड्यूटी में मैं या मुंबई का कोई भी पुलिस वाला जुर्म के बाद ही मौका वारदात पर पहुंचा है। पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हो रहा था कि जुर्म जारी है और हर पल बड़ा होता जा रहा है। उस तरह की सिचुएशन को रोकने या खत्म करने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना हथियार, ना बंदोबस्त। हमारा मुकाबला उनके साथ था जो पुलिस को देखकर भाग नहीं रहे थे, इसलिए क्योंकि वो मरने या मारने आए थे। होम सेक्रेटरी ने दिल्ली से एनएसजी कमांडोज लाने की कार्रवाई शुरू कर दी और फिर मुझे जानकारी मिली सीएसटी से जो टेररिस्ट निकले थे वो कामा हॉस्पिटल के पीछे की गली में जाते दिखाई दिए। पानी मिलेगा? और मिलेगा। मैंने भी सुना है सीएसटी में आतंकी हमले हुए हैं। डिटेल्स नहीं पता लेकिन लोग यहां तक कह रहे हैं कि ताज में भी फायरिंग हुई है।
हम अस्पताल क्यों जा रहे हैं? हम और हमारे लोगों ने जहाँ जहाँ गोलीबारी की है वहाँ से जख्मी लोगों को अस्पताल लेके जाएंगे। अगर हम यहाँ भी तबाही मचाते हैं, सिर्फ रेलवे स्टेशन, होटल ही नहीं, अस्पताल में आने को भी लोग डरेंगे। क्यों चला रहा है? बुलेट वेस्ट मत कर। क्या हुआ? पिछले गेट पर पुलिस लगी है। यहां से सामने का गेट कहां?
हथियार फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। देखो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, मैं कहता हूं हथियार फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। सर, क्या पोजीशन है? ऊपर फायरिंग हो रही है सर, पोजीशन का कुछ पता नहीं। कितने आदमी है कुछ पता चला? नहीं सर। सर, सर वी नीड टू मूव इनसाइड, मूव मूव मूव। होल्ड अशोक, पता नहीं कितने लोग अंदर फंसे, वी कांट टेक रिस्क, वी नीड टू चेक द नेक्स्ट मिनट। तुम्हारा डॉक्टर हमारे कब्जे में है, ज्यादा होशियारी की तो उड़ा दूंगा साले को। हम नीचे आ रहे हैं। देखो अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो अपने, यहां से बच के निकलना नामुमकिन है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ वरना तेरा डॉक्टर मारा जाएगा। ये आखिरी मौका है, हथियार फेंक दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ चलाना रखा है, फेंक दो हथियार, फेंक दो। आती फायरिंग की आवाजों से और इस शक से कि आतंकवादी फ्रंट एंट्रेंस से भाग न जाए, ताकि बैक एंट्रेंस पहले से ही सिक्योर कर चुके थे, मेरे तीन बहुत काबिल ऑफिसर जो मेरे दोस्त भी थे, अस्पताल के फ्रंट एंट्रेंस की तरफ निकले। दादो पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सर, पाटिल दरवाजा खोल। सर, 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 सर। सर, अगर वो निकल ही चुके तो किसी भी तरफ से निकल सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर के पॉकेट में जो फोन बजा वो उसके पिताजी का फोन कॉल था। अहमदनगर में टीवी पे जब उन्होंने न्यूज देखी तो बेटे के सलामती की खबर लेनी चाहिए और फोन किया। हेलो,
वो कैसे जान पाते? उसकी सलामती का फोन कॉल उनके बेटे के मौत का कारण बन जाएगा। और फिर शूटआउट में टायरों पे गोली लगने से कार रुक गई। अभी उन लोगों ने सिल्वर कलर की स्कोडा को रोका है, उसको लेकर वो चौपाटी की तरफ जा रहे। सिल्वर स्कोडा है, गाड़ी नंबर 1276, उसे किसी भी हाल में रोकना है। हाँ। समझे? हाँ ओके सर, रोकता हूँ। ओके चलो चलो, ये बैरिकेड्स के अंदर दिख रहे, ये पब्लिक का उधर से चल, ये साला 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 लेगा, ये साला गिर जाओ, साला ये ऊपर है घर का, चलो कर सर, नाकाबंदी कर दी। जल्दी करो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, बाहर निकलो, कम ऑन मूव मूव। बत्ती बंद करो, नीचे उतर, मूव इट। Thank you.
आर्म्ड एस्कॉर्ट के साथ भेजना। माइंड वेल आर्म्ड एस्कॉर्ट। हो सकता है उसके आदमी फॉलो करते होंगे उसे। तुम नहीं मन है अब चले जाओ, वहां की हालत गंभीर है। गेट वी दिल्ली सर, दिल्ली सर। वी गॉट वन। यस, दिल्ली से ऑर्डर आया कि उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाए, और वो ऑर्डर सही था क्योंकि वही एक सोर्स था जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तब मैंने अपने ऑफिसर को फोन किया। हाँ सर, कैसी हालत है? ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक ही लग रहा है मुझको। क्राइम ब्रांच ले आओ। सर डॉक्टर क्लीयरेंस नहीं दे रहा है। बस ले आओ, बीच में आए तो शूट द डॉक्टर। उसी वक्त आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे और हमारे डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे। मैं जानता हूं वो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है कि एक डॉक्टर को अपने मरीज का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस समय ऐसे महान आदर्शों के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे कसाब से इंफॉर्मेशन की सख्त जरूरत थी जिसके जरिए ताज, नरीमन हाउस और ओबराय में फंसे लोगों को बचाया जा सके, और आखिरकार उसे मेरे पास लाया। ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितांभुजंग तुंग मालिकां डमट मट 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 निनाद वट मर्वयम चकार चंड तांडव स्तनोतु न शिव शिवम चकाट विकल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितांभुजंग तुंग मालिकां डमट मट 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 निनाद वट मर्वयम चकार चंड तांडव स्तनोतु न शिव शिवम। कसाब को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से के जानते हुए भी कि जरूरी नहीं कोई खतरनाक आदमी खतरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी मुझसे और मेरे ऑफिसर से उसे बचाना। हम सभी उसे मारना चाहते थे। अपने आप पे मैंने काबू रखा और जल्द से जल्द उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। नमो। नाम क्या है? अजमल। बाप नहीं है? मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। कहाँ से? कराची से। कैसे? दरिया में एक हिंदुस्तानी को पकड़ लिया और वो हमें यहाँ मुंबई तक ले आया। बोट का नाम क्या है? कुबेर। बाकी के लोग कहाँ हैं बोट के? मार दिया। फिर बाकी के साथ ही मेरे साथ, उनसे चेक करूंगा। मैंने उससे कहा कि उसके साथी मेरे कब्जे में है, मैंने झूठ बोला। पूरी रात की पूछताछ के बाद बड़ी आसानी से उसने बहुत कुछ पकड़ा। सुबह तकरीबन 7 बजे मेरा एक अफसर अंदर आया। सर, दिल्ली से एनएसडी कमांडोज की टीम आ गई। आ गई।
RDX. NSG को मैं ब्रीफ तो कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक था कि कसाब मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या कसाब खुद पूरा सच जानता था? मुमकिन था कि उसके लोगों ने ताज और उबराय में RDX भर दिया हो और NSG और बाकी के फोर्सेस के अंदर आने का इंतजार कर रहे हो ताकि एक साथ सबका खात्मा कर सके। लेकिन ऐसे हालात में खतरा मोल लेने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। ताज होटल और नरीमन हाउस में तब भी लोग खतरे में थे। एनर्जी अपने मिशन पर निकल गई और कसाब से मेरी इंटरोगेशन जारी रही। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते, इतनी चमक है उनके चेहरे पे जैसे नूर बरसता है। नूर आंखें टिकती नहीं है, दिल करता है कि बस देखते रहो देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। किसी की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों के समझ में नहीं आने वाली, इसलिए कि तुम काफिर हो। काफिर दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है, दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग चलाती है तो वह चलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन आका ने कहा जो मजहब और दीन की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। पत्थर, आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए जान देता है अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो मुआफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता है उससे। हे तुम क्या जानो, अल्लाह रसूल जिहाद, पता है जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी रूह की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे, जन्नत कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरे होंगे, दूध और शहद की नदियां होंगी जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है, दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां? खुदा की कसम जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधे जन्नत जाएंगे, खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने विदा करने से पहले कहा जाओ बच्चों जाओ, तब तक मार
तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकिजगी की खुशबू आएगी। हकर ने फिर हमें अपने सीने से लगाया, दुआ दी और कहा अल्लाह हाफिज, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी, अकुर्बा हुए तो शहीद। आका ने कहा अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, कसम से मादर चौद, देखकर रूह खुश हो गई। अभी क्या कर लोगे तुम, तुम्हारी हुकूमत? क्यों बोलो, बोलो। मैं जान गया वो कुत्ता है, सिर्फ एक कुत्ता। अगर कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते से काटने को कहे तो कुत्ते पे गुस्सा करना बेवकूफी। असली दरिंदे तो वो है जिन्होंने दरिया पार से ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कसाब को कसूरवार नहीं मानता। अगर मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो इन्हीं हाथों से मैं उसे चीर देता। एनएचजी ऑपरेशन खत्म हुआ, सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। एक दिन कसाब ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। अब क्या कर लोगे, मुझे लटका दोगे या सड़ा दोगे? भटकती होगी उनकी रूहे, मैं तो नहीं देख पा रहा, शायद तू देख सकेगा तेरे अपने। ये कौन है? इस बार जिक्र आया है जेहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते, सिर्फ तुमने और तुम्हारे आखा ने कुरान पढ़ी है? हम सब लोग जाहिल हैं,
हमारी कोई औकात नहीं, विसाद नहीं। क्या औकात है? गर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक, तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम के आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को। मादर चोद, उन मासूम बच्चों से औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूहे पाकिजा और नूरानी रहेंगी। एग्जॉस्ट सॉन्ग जमीन तक नहीं मिली लाशों को, सारी दुनिया थूक रहे। इसे कुर्बानी शहादत कहता, शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान। भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे, उनके लिए सबकी आंखों में आंसू है, उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठाता ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिस जिसको भी तूने मारा कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर 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 जानता है जमीर। बच गए तो गाजी है तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी? ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद है उनकी नसीहत, ये जानता भी है तू? शहादत को तुम जैसे गुमराह ने तमाशा बना के रखा। करना है जात तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा,
हूँ।